हेलो एवरीवन, ये आपका मोस्ट अवेटेड वीडियो है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चंस ओवर फाइलम प्रोटोजोअन। यहाँ आप देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइलम प्रोटोजोअन के क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने इंक्लूड कौन कौन सा टॉपिक किया है, पिछले वीडियो में जितना भी टॉपिक हमने कवर किया था उसे इंक्लूड करने की कोशिश मैंने की है, जिसमें आपके फर्स्ट जो टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक से है प्रोटोजोअन के। ठीक है, तो प्रोटोजोअन का जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार देखेंगे, आपको सब पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और फिर जो सेकेंड वीडियो रहा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोअन्स पे है, थर्ड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स पे है, फोर्थ न्यूट्रिशन, ठीक है, इसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन हमने पढ़ा है, ऑस्मो रेगुलेशन। ये जितने भी आपके टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं ये सारे टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करा के रखा हुआ है, और क्वेश्चन लगाने में आपको तभी मज़ा आएगा जब आप एक बार वीडियोस को देख लेंगे, लेक्चर को एक सीक्वेंस में समझ लेंगे, तब आप यहाँ क्वेश्चन को एक्चुअली लगाने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मैं यहीं से पढ़ के सब कुछ कवर कर लूँगा तो भी ठीक है, बट आपके कॉन्सेप्ट्स उतने बेसिक या फिर कह लीजिए बहुत रूट से क्लियर नहीं होगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप वीडियो को 2x पे ही देख लीजिए, लेकिन ज़रूर एक बार जाके देख लेंगे तो आई रियली मुझे ऐसा लगता है रियली फील कि आपको चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और इसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो फिर अब वीडियो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक से देखिए आया हुआ है कि फर्स्ट पर्सन ऐसे कौन थे जिन्होंने प्रोटोजोअन को देखा था अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हमें पता है कि आपके एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन जो ये सेल डिस्कवर किए थे ना वो कौन से सेल थे, वो डेड सेल थे। ठीक है, वो सेल क्या थे, डेड सेल थे, लेकिन जो लिविंग सेल था उसको डिस्कवर सबसे पहले एंटोन वन लीवेनहॉक ने किया था। तो एंटोन वन लीवेनहॉक ने जो फर्स्ट सेल जो डिस्कवर किया था, अगर लिविंग की बात करें तो इट मस्ट बी एनी काइंड ऑफ एनिमल, और कुछ तो ऐसा होगा। तो वो ठीक है कि प्लांट सेल भी एक लिविंग सेल ही है, लेकिन होता क्या है ना कि इन्होंने जो सेल देखा था वो भाई चल फिर रहा था, ठीक है, मूवमेंट दिखा रहा था कुछ ना कुछ। तो एंटोन वन लीवेनहॉक जो थे इन्होंने जो फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंड इट वाज अ एनिमल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जानते हैं कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं दे आर कंसिडर एज द फर्स्ट एनिमल, है कि नहीं। प्रोटोजोअन को क्या बोलते हैं, प्रोटो मतलब फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल। तो प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये फर्स्ट एनिमल, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको फर्स्ट एनिमल बोला गया। ठीक है, तो आपके जो फर्स्ट एनिमल लिविंग सेल डिस्कवर किया था किसने किया था, एंटोन वन लीवेनहॉक। आई रियली होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्म प्रोटोजोआ किसने दिया था। तो आपको पता है कि गोल्डफर्ज ने टर्म प्रोटोजोआ दिया था। आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक वाला वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये बेसिक जो चीज़ें प्रोटोजोअन से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत आराम से मिल जाएगा। और फिर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या है कि लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, लोकोमोटरी जो ऑर्गनली है किसमें, मैस्टिगोफोरा में, फाइलम मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगो का मतलब ही होता है समवन हु दे आर प्रेडेटर्स। ठीक है, और फोरा मतलब आपके क्या होते हैं, विप लाइक स्ट्रक्चर, ये विप लाइक स्ट्रक्चर ये बियर करते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो क्या हों, विप लाइक स्ट्रक्चर बियर करते हों और प्रेडेटर हों, इनको क्या बोला जाता है, मैस्टिगोफोरा। ठीक है, फोरा मतलब बियरिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो आपके विप लाइक स्ट्रक्चर बियर करते हों और प्रेडेटर का काम करते हों, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आपके जो एनिमल्स होते हैं ये विप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फ्लैजिला बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अपने फ्लैजिला के हेल्प से
लोकोमोशन भी करते हैं, फूड को कैप्चर भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपके मैस्टिगोफोरा का एक बहुत बड़ा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब आगे बढ़ें, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोअन। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोअन वो भी किसका, क्लास सार्कोडिना का। तो सार्कोडिना मतलब जो फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म होते हैं, मतलब कि ऐसे साइटोप्लाज्म जो फ्लो कर रहा हो, ठीक है ना, जो फ्लो कर रहा हो। तो किसमें फ्लो करता है, आपको पता है इरेगुलर सेल अमीबा का होता है। अमीबा किसका मेंबर होता है, सार्कोडिना का मेंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा कि इट इज़ अमीबा, विच जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या हो, फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म हो, ठीक है। अपने साइटोप्लाज्म के हेल्प से वो क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं या फिर फूड कैप्चर करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स केवल अमीबा ही होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एमोबॉइड मूवमेंट। तो भाई एनर्जी की बात हो गई तो हमको कुछ नहीं देखना है, हमको पता है कि हर काम या फिर एनर्जी करेंसी होती है, जिस भी लिविंग सेल में वो क्या होती है, एटीपी होती है। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर आपका एटीपी हो गया, ठीक है। अब क्या है कि सिमेट्री ऑफ बॉडी किसमें, जियार्डिया में। जियार्डिया अगर आप देखे होंगे, ये भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। इधर पीछे कार्डल फ्लैजिला होते हैं, एंटीरियर में दो फ्लैजिला होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो भाई अब सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो आपके जनरल जब आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ना, तो सिमेट्री की बात क्या होती है कि एनिमल का एक कैरेक्टर ये भी होता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ सिमेट्री दिखाता है। तो अमीबा की बात करें तो क्या होता है, इरेगुलर बॉडी होती है, कहीं से काटेंगे तो कोई सिमेट्री आपको खास नहीं दिखेगी। तो एसिमेट्रिकल बोल दिए, जिसमें सिमेट्री ना दिखे उसको क्या बोल दिए, एसिमेट्री, ठीक है। अब जिसमें सिमेट्री दिख रही है उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल में भी क्या आता है, एक होता है रेडियल, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, और एक क्या होता है, बाई लैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो जब सिमेट्री की बात करते हैं कि मतलब बॉडी को अगर दो हाफ्स में डिवाइड करें तो जो हाफ्स मिलते हैं वो कितने सिमिलर हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो जब रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ एक स्फेरिकल बॉडी की बात करते हैं, मतलब कोई राउंडेड या स्फेरिकल बॉडी है, उसके सेंटर से जब आप बॉडी को कट करना शुरू करें, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, सेंटर से कट करना शुरू करें फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो क्या होता है, जितने भी पार्ट्स आपके मिलते हैं, जितने भी हाफ्स आपके मिलते हैं, बॉडी में कितनी सिमेट्रिकल बॉडी मिल रही है, उसके हाफ्स में कितनी सिमेट्री है, इसी की बात हम लोग करते हैं। वहीं रेडियल नाम से ही क्लियर है कि कुछ आपके राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, रेडियस से बात की जा रही है, ठीक है। वहीं जब बाइलेटरल की बात करते हैं तो होता क्या है कि कहीं आप ऊपर से बॉडी को टॉप से बॉटम काटना शुरू करें, टॉप से बॉटम काटना शुरू करें, जो दो हाफ्स मिले वो एकदम सिमिलर हो, कैसे हो, एकदम सिमिलर हो। तो जियार्डिया का आप फोटो देख सकते हैं, फिगर देख सकते हैं। तो होता क्या है, इसमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब आप टॉप से बॉटम काटेंगे तो आधा इधर आपको एक जैसा मिलेगा, आधा इधर आपको एक जैसा मिलेगा। तो क्या होता है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो सिमेट्री पे एक क्वेश्चन था, अदरवाइज यू शुड नो कि व्हाट इज़ सिमेट्री और सिमेट्री कितने टाइप की पाई जाती है और ये एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक होता है सिमेट्री, तो आपको सिमेट्री के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन आर नोन एज ए सेलुलर। ए सेलुलर मतलब एक सेल वाले, और क्या होते हैं, सिंगल सेल वाले, और क्या करते हैं, एक ही सेल में सारे लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। तो कौन सा भाई सेल है, तो जितने भी प्रोटोजोअन होते हैं पूरे यूनिसेलुलर ही होते हैं, यूकैरियोटिक ही होते हैं, हमें तो पता ही है। तो अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, चाहे यूग्लिना हो, सारे के सारे आपके प्रोटोजोअन के आपके मेंबर्स हैं, और क्या है, सारे यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो ऑल ऑफ एवम हो गया कि नहीं आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्रोटोजोअन इज डरिवन बाय एक्शन ऑफ फ्लैजिला। किस तरीके का आपका
लोकोमोशन होता है फ्लैजिला के हेल्प से, जो अंड्यूलेशन भी दिखा रहा है, साइड वाइज लेसिंग भी दिखा रहा है और स्पायरल गायरेशन भी दिखा रहा है। तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, उस लोकोमोशन को क्या बोलते हैं जो फ्लैजिला दिखाता है? तो भाई नाम से ही यहाँ पे भाई फ्लैजिला से मूवमेंट हो रहा है तो फ्लैजिलर मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। वहीं सीलियरी मूवमेंट की जब बात होती है तो सीलियरी मूवमेंट की हम जब बात करते हैं, आंसर ये है आपका, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सीलियरी मूवमेंट सीलिया के हेल्प से, है ना, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। और एमोबॉइड मूवमेंट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के हेल्प से हो रहा है, और ग्लाइडिंग मूवमेंट आपके पेलिकल्स वगैरह के हेल्प से होता है, ठीक है ना। तो क्या है मायोनिम्स, या फिर आप पेलिकल कुछ भी बोल सकते हैं, एक्टिन फिलामेंट, जब आप पढ़ेंगे ना लोकोमोशन तो आपको पता चलेगा कि तीनों चीज़ें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या एक तीसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन पैरामीशियम क्या है, सीलियरी मूवमेंट फॉलो विच टाइप ऑफ रिदम। तो पैरामीशियम में जो है सीलियरी मूवमेंट दो तरीके का आपका क्या दिखाता है, रिदम दिखाता है। हमको पता है कि सिंक्रोनस और मेटासिंक्रोनस दिखाता है, और पूछ क्या रहा है, वेयर सीलिया बीट्स वन आफ्टर अनदर, कौन सा ऐसा रिदम है जहाँ पे एक सीलिया पहले बीट किया, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, पांचवा वाला। ये पूछ रहा है कि ऐसे सीलिया के रिदम को क्या बोलते हैं जहाँ एक सीलिया पहले बीट किया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर थर्ड वाला, फिर तीसरा, वन आफ्टर अनदर, है कि नहीं, जहाँ पे वेयर सीलिया बीट वन आफ्टर अनदर, क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है। तो ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, मेटासिंक्रोनस रिदम, है ना। आप वीडियो देखिएगा सीलिया जो लोकोमोशन जिससे होता है, ठीक है, उसमें कितने टाइप के रिदम बताए गए हैं, स्पेशली आपका सिंक्रोनस और मेटासिंक्रोनस ही होता है। और आपके सिंक्रोनस रिदम में क्या होता है कि सीलिया जो होते हैं, जो सीलिया होते हैं वो एक साथ ही मूवमेंट करेंगे, मतलब एक साथ सब एक बार एक साइड में गिरना शुरू होगा, ठीक है। तो क्या होता है, और यहाँ पे मेटासिंक्रोनस में क्या होता है कि भाई एक गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसके वन आफ्टर अनदर गिरना शुरू होते हैं, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉमन इन पैरासिटिक प्रोटोजोअन। जो पैरासाइट्स होते हैं प्रोटोजोअन, ऐसे जो प्रोटोजोअन जो पैरासाइट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर लग के फीड कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो ऐसा जो आपके न्यूट्रिशन कौन सा कॉमन है प्रोटोजोअन्स में, बताइए। देखिए होलोजोइक जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खा रहा है, ठीक है, या फिर फूड को ही खा रहा है। आप कह लीजिए कि हम हैं, जैसे ग्रेन्स खाते हैं, या फिर कोई भी सीरियल खा रहे हैं, मतलब वीट राइस ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। होलोफाइटिक में क्या होता है, होलोफाइटिक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ अपने से फूड को सिंथेसिस कर रहे हैं, हाँ होता है युग्लिना वगैरह में भी। ऑटोट्रॉपिक की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि अपने आप से खाना जो है बना ले रहा है, वो केमिकल के भी हेल्प से, ज़रूरी नहीं है कि आपके हर बार क्लोरोफिल ही प्रेजेंट हो, कुछ अदर केमिकल्स को भी यूज़ करके या कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कुछ और यूज़ करके अपना खाना जो है न्यूट्रिशन जो है कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। ऑस्मोट्रॉपी, जो ऑस्मोट्रॉपी होता है ये क्या होता है, या ऑस्मोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, मतलब सेल के सरफेस से न्यूट्रिशन को अंदर की तरफ डिफ्यूज़ करना, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, जितने भी आपके प्रोटोजोअन के सेल होते हैं अगर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है तो करता क्या है, या तो वो डाइजेस्टेड फूड लेगा या अनडाइजेस्टेड फूड लेगा, और लेता किसके हेल्प से है, अपने सेल के सरफेस के हेल्प से लेता है, और क्या करता है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है, मतलब कि जो आपके डिजॉल्व मॉलिक्यूल या फिर फूड आपके पार्टिकल्स बाहर के साइड हैं उनको सेल में धीरे धीरे क्या करता है, अंदर के साइड में डिफ्यूज़ कर लेता है, ठीक है, अंदर के साइड में क्या करता है, एंट्री करा देता है, ठीक है। और प्लाज्मा जो इसका मेम्ब्रेन होता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, तो आपके जितने भी सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर के साइड में सेल की तरफ मूव करने लगते हैं। ये आपका ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, ये पैरासिटिक आपके जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। होलोजोइक में क्या होता है, दूसरे को पकड़ के खाएंगे, और होलोफाइटिक में खुद से खाना बना रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक में भी सेम,
खुद से खाना बना रहे हैं, अब वो केमिकल का यूज़ करके बना रहे हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके बना रहे हैं, अलग की बात है। लेकिन ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सेल से डायरेक्ट जो सब्सटेंस होते हैं उनका डिफ्यूज़न हो रहा है। और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब प्रोटोजोआ फॉलो करता है तो वो या तो डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड लेगा, क्या करता है दूसरे होस्ट के ऊपर चिपकेगा और वहाँ से वो फूड क्या करना न्यूट्रिशन को धीरे धीरे अपने सेल के अंदर डिफ्यूज़ करना शुरू कर देगा। तो डिफ्यूज़न का जहाँ प्रोसेस आ गया, जहाँ डाइजेशन कम हो रहा है, जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का काम थोड़ा कम हो जा रहा है या किसी ऑर्गेनिज्म को हार्म करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ पैरासाइट की बात आती है और वहीं पर क्या होता है डिफ्यूज़न की भी बात आती है। और ये डिफ्यूज़न जब किसी चीज़ का हो रहा है तो मतलब वो ऑस्मोट्रॉपिक की बात करते हैं हम, ठीक है। और ऑस्मोट्रॉपिक से आपका ये मतलब है कि अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल अंदर के साइड आ रहा है तो ज़्यादातर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ही, डाइजेस्टेड लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ही ये अपने सेल के अंदर क्या करता है, इनटेक करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? अरे ये तो हमको पता है, क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन है कि नहीं, होता है ना ऑस्मो रेगुलेशन, और कोई काम थोड़े होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का, है कि नहीं। क्या होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये एक्स्ट्रा वाटर जितने भी आपके, मान के चलिए ये अमीबा है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल उसका वैक्यूल है, यहाँ हम कहते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और एसेसरी वैक्यूल्स इधर होते हैं। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है, धीरे धीरे एसेसरी वैक्यूल्स क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर ले आके फिल कर देंगे और फिल करने की वजह से इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, साइज़ बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये क्या करता है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा वाटर्स को सेल के बाहर ब्रस्ट करके निकाल देता है। ऑस्मो रेगुलेशन वाला वीडियो देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और क्यों होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें भी, और फ्रेश बॉडीड में ही क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। खैर उसी से क्वेश्चन ही पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, विच लोकोमोटरी मैकेनिज्म इन्वॉल्व कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स मायोनिन्स, देखिए आगे दैट कॉज अ स्मॉल जिगजैग मूवमेंट, कि कौन सा ऐसा जो है मूवमेंट दिखाया जाता है मायोनिम्स से, जिगजैग मूवमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस लोकोमोशन को क्या बोलते हैं, इस लोकोमोशन को क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है ग्लाइडिंग मूवमेंट के बारे में, ठीक है, कि ग्लाइडिंग मूवमेंट जो भी होता है मायोनिम्स के हेल्प से होता है या फिर पेलिकल्स के हेल्प से होता है या एक्टिन के हेल्प से होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, लोकोमोशन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। खैर एक ऊपर से आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। यूग्लिना सेल से क्लियर हो रहा होगा कि ये यूनिसेलुलर आपका यूग्लिना है, ठीक है। ये है फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला भी हेल्प करता है लोकोमोशन में, लेकिन साथ ही साथ कुछ अदर आपके कह लीजिए फिलामेंट्स हैं या फिर आपके लोकोमोटरी ऑर्गन्स के एसेसरी पार्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, उसमें एक नाम आता है आपके पेलिकल्स का। ये मान लीजिए आपके सेल का बाहर जो सरफेस है वो क्या है, पेलिकल है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सॉरी ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं कि ये जो अंदर वाला लेयर होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, इसको बोलते हैं पेलिकल की लेयर, ठीक है, इसको पेलिकल की लेयर बोलते हैं। पेलिकल का लेयर बना कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं कि बनती कैसे है। होता क्या है, ये पेलिकल का जो लेयर बना है ना, ये बनता है एक आपके फिलामेंट से, इसको बोला जाता है मायोनिम्स फिलामेंट, ऐसे नहीं होता है, जिगजैग नहीं होता है, ये मायोनिम ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। मायोनिम फिलामेंट क्या होता है, पतले पतले एक्टिन फिलामेंट से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। होता क्या है, मायोनिम छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक्टिन, ठीक है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्टिन, ठीक है, ये आपस में ज्वाइंट होके एक आपके कह सकते हैं फाइनेस्ट स्ट्रक्चर मायोनिम्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। और ये जो मायोनिम है, ये बहुत सारे मायोनिम्स मिलके क्या करते हैं, एक क्या होगा कि ये मायोनिम्स जो होता है लास्ट में जाके क्या करता है ना, एक दूसरे में ऐसे इंटरकनेक्ट हो जाता है, एक दूसरे में ऐसे इंटरकनेक्ट हो जाते हैं,
और इंटरकनेक्ट जब हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, मतलब लास्ट में जाके, और ये लॉकनेस के वजह से ये मायोनियम्स जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। इसी लेयर को क्या बोला जाता है, इसी जो आप कह लीजिए ग्रीन वाला लेयर है, इसको हम बोल सकते हैं पेलिकल। तो पेलिकल कहाँ हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके जस्ट नीचे वाला स्ट्रक्चर पेलिकल बोल दिए। पेलिकल बना किससे है, मायोनियम से, मायोनियम के फिलामेंट जुड़ के पेलिकल बना रहे हैं, और मायोनियम्स किससे बना है, एक्टिन के फिलामेंट से, ठीक है ना। तो पतले पतले थ्रेड लाइक आपके स्ट्रक्चर्स हैं एक्टिन वाले, वो आपस में मिलके क्या करेंगे, एक पतला सा और स्ट्रक्चर या स्ट्रिप बना देंगे, एक कह सकते हैं आप स्ट्रिप बना देंगे, और वो स्ट्रिप जुड़ जुड़ के जगह जगह वो क्या करते हैं कि एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, उसको पेलिकल बोलते हैं। अब क्या होता है ना, ये जो पेलिकल्स या कह लीजिए ये जो मायोनियम है, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे जैसे स्प्रिंग होता है ना, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकता है आराम से, स्प्रिंग देखा है आपने, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकता है आराम से, सेम वही यही आपका कह सकते हैं टेक्सचर दे देंगे बॉडी को, भाई ये ग्लाइड कर सकता है आराम से, ये जो मायोनियम्स के जो ये स्ट्रिप्स है ना, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर सरक सकते हैं, और इनके स्लाइडिंग की वजह से क्या होता है, एक जिगजैग कह सकते हैं मूवमेंट दिखता है बॉडी में, और ये क्या है आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट अगर हम बढ़े और इससे डिटेल में पढ़ना है तो आप एक बार आप लोकोमोटरी जो ये लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ है उसको आप देखिएगा, लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है और आपको मज़ा भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, व्रिगलिंग लोकोमोशन, ये क्या होता है, व्रिगलिंग लोकोमोशन का मतलब यही ग्लाइडिंग वाला, ठीक है, होता क्या है, कैसा लोकोमोशन पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ व्रिगलिंग लोकोमोशन सीन इन प्रोटोजोअन, ठीक है, इन्वॉल्व अ टेम्परेरी चेंज। जब आप टेम्परेरी चेंज की बात करते हैं तो वहाँ क्या बात करते हैं, मेटाबॉलिक मूवमेंट की बात करते हैं, और मेटाबॉलिक मूवमेंट को एक और नाम दिया जाता है मेटाबॉली, ठीक है, और मेटाबॉली जो होता है या फिर मेटाबॉलिक मूवमेंट जो होता है, ये सारे मूवमेंट आपके किसके हेल्प से होते हैं, चाहे वो आपके जितने भी एक्टिन फिलामेंट के हेल्प से हो, ठीक है, अमीबा में जैसे आप बात करते हैं इस तरीके से सेल होता है, और क्या होता है बाहर के साइड में आपके एक्टिन फिलामेंट ऐसे खुले हुए होते हैं, और ये एक्टिन फिलामेंट के क्या होता है कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, और यहाँ पे पूरे तरीके से ओपन होने की वजह से ये शोल और जेल का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। तो आपके जो शोल और जेल का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज होता है, उसकी वजह से क्या होते हैं आपका साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है। तो आप यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट की बात कर लीजिए, या फिर पेलिकल्स में आपने देखा मायोनियम फिलामेंट की, ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जहाँ इंटरलॉक हुआ है ना, ये इंटरलॉक स्ट्रक्चर के पास ऐसे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरलॉक स्ट्रक्चर में ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये भी आपके ट्यूब्यूलिन जो होता है वो फाइब्रिल्स होते हैं, और ये भी आपके लोकोमोशन में हेल्प कराते हैं, ठीक है, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। तो जितने भी एडिशनली मतलब आप कह सकते हैं पेलिकल के साथ, मायोनियम्स के साथ, या फिर एक्टिन फिलामेंट के साथ, या फिर आपके माइक्रोट्रिब्यूल्स हैं इसके हेल्प से, या फिर जो भी आपके मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और टेम्परेरी ये कह सकते हैं ना कि बॉडी में चेंज आ रहा है, ठीक है, वो क्या होता है आपका मेटाबॉलिक मूवमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्वॉल्व अ टेम्परेरी चेंज, ठीक है, टेम्परेरी की जब भी बात आ जाए तो आप मेटाबॉलिक मूवमेंट की ही के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब वो यहाँ एक स्पेसिफिक दे दिया है कि प्रोटोनिशियस जो होते हैं स्ट्रिप के ग्लाइडिंग के वजह से, पेलिकल के वजह से जो है बता रहा है, तो इंक्लूड करते हैं उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, कि कौन सा ऐसा क्लास है, कौन सा ऐसा प्रोटोजोअन का क्लास है जिसके में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन आपका
कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनली नहीं होता है। तो आपको पता है कि जितने भी आपके स्पोरोजोअन्स होते हैं, जहां आप प्लाज्मोडियम की बात करते हैं जो मलेरिया कॉज करता है, वो क्या करते हैं, स्पोर्स होते हैं, और उनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लोकोमोशन वाले वीडियो में जो है पहले ही बता के रखा हुआ है कि ऐसे क्लासेस जिसके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है वो क्या करते हैं, आपके स्पोरोजोन्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी लोकोमोटरी ऑर्गेनली इन द फाइलम सीलियोफोरा। भाई फाइलम सीलियोफोरा जब दे ही दिया है तो सीलिया के हेल्प से करता है। सीलियोफोरा नाम ही इसीलिए दिया गया ना कि सीलिया के हेल्प से आपके लोकोमोशन कर रहे हैं, चाहे फिर वो पैरामीशियम वगैरह कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिसके पास सीलिया है, वो सीलिया के हेल्प से लोकोमोशन कर रहा है, इसीलिए वो सीलियोफोरा में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोजोअन ग्रुप हैज टू काइंड ऑफ न्यूक्लियाई। तो कौन सा प्रोटोजोअन होता है जिसके पास दो तरीके का न्यूक्लियाई होता है। अच्छा, दो तरीके का न्यूक्लियाई मतलब डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई। ठीक है, दो तरीके के न्यूक्लियाई की जब हम बात करते हैं तो हमको बस एक ऑर्गेनिज्म को याद रखना है या एक ही ऑर्गेनिज्म जानते हैं। जहाँ पे आप बात करते हैं पैरामीशियम की, पैरामीशियम के पूरे बॉडी पे सीलिया होता है। ठीक है ना, और क्या होता है, एक क्या होता है, न्यूक्लियाई साइज में बड़ा होता है, एक न्यूक्लियाई साइज में छोटा होता है। तो बड़े वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूक्लियाई, और छोटे वाले को माइक्रो बोल दिए। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियाई की जब हम बात करते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है, क्यों दो तरीके का है, डाइमॉर्फिक क्यों है। एक जो है आपका जो मैक्रो न्यूक्लियाई होता है, ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का इनके पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या कह लीजिए ये अगर न्यूक्लियस को हम मास्टर ऑफ द सेल कह रहे हैं तो ये मास्टर जो है वो गाइड करते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसे होगा, चीज़ें ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कह सकते हैं परफॉर्म करता है। इसके बाद जो माइक्रो वाला होता है, इसका काम क्या होता है, ये केवल रिप्रोडक्शन के टाइम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों न्यूक्लियाई का काम क्या क्या है और क्यों इसको माइक्रो या मैक्रो कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि कौन से ऐसे क्लास होते हैं, भाई नाम जब मैंने बता ही दिया है कि पैरामीशियम, तो पैरामीशियम अभी जो पहले वाले वीडियो में, पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि सीलियोफोरा में सीलिया के हेल्प से लोकोमोशन कर रहा है, और सीलिया के हेल्प से लोकोमोशन कौन करता है, पैरामीशियम करता है। तो सीलियाटा हो गया कि नहीं, है कि नहीं, सीलियाटा में ही तो आपके ये पैरामीशियम इंक्लूड होते हैं। ठीक है, Which class of protozoan include organism that move by flagella and are typically chlorophyll bearing? एक ही नाम है युगलिना का, और कौन सा नाम है, युगलिना में ही होता है flagella भी, और साथ ही साथ इनके पास क्या होता है, ऐसे nucleus के पास क्या होते हैं, अगल बगल nucleus में अंदर genetic material है और ऐसे बिखरे हुए स्कैटर्ड आपके क्या होते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी है, फ्लैजिला भी है, तो क्या हो जाता है भाई, फाइटो मतलब आपके प्लांट हो गया, मैस्टिगो मतलब विप लाइक स्ट्रक्चर, पूरा मतलब बियर कर रहा है, मतलब प्रेडेटर्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। तो एकमात्र आपका एग्जांपल युगलिना आपको याद रखना है। हाँ, खैर डाइनोफ्लैजिलेट्स वगैरह भी होते हैं डस्टमिट, तो युगलिना से याद रखेंगे तो आपको फाइटो मैस्टिगोफोरा याद रखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट मूव करें, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, सही है। द प्रोटोजोआ फ्रॉम क्लास एक्टिनोपोडा। एक्टिनोपोडा क्या होता है, अमीबा का एक क्लास है। ठीक है, तो आपके क्या होते हैं, अमीबा का एक ऐसा क्लास है जो एक्टिनोपोडा, ठीक है, जो क्या करता है, एक्सोपोडिया के हेल्प से लोकोमोशन दिखाता है। ठीक है, अब एक्सोपोडिया क्या होता है, अमीबा का ऐसा क्लास जो
एक्टिनोपोडा अमीबा का ऐसा क्लास जो क्या करता है, एक्टिनोपोडिया से लोकोमोशन दिखाता है। ठीक है, होता क्या है, हमने पढ़ा था कि जो लोकोमोशन होता है अमीबा में तो साइटोप्लाज्म की हेल्प से होता है कि साइटोप्लाज्मिक जो है वो फ्लूइडिटी दिखा रही है। ठीक है, तो स्पेशली सार्कोडिना की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जितने आपके स्ट्रक्चर बनते हैं ना साइटोप्लाज्म से, जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो एक पहला एक पढ़ा था कि फ्लैटेंड आपके ब्लंट स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग लोबोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, लोबोपोडिया बोलते हैं। वैसे ही आपके कुछ फिलामेंटस, ठीक है, तो फिलामेंटस जो है स्ट्रक्चर ऐसे फिलामेंट के फॉर्म में दिखाता है कि फिलामेंट है जो आगे बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड जो है साइटोप्लाज्मिक जो है फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड फॉर्म में ही रहता है। जब बात करते हैं आपके एक्टिनोपोडिया के बारे में एक्सोपोडिया के बारे में या एक्टिनोपोडिया क्लास के बारे में, वहाँ पे क्या होता है कि जो आपके ये जो साइटोप्लाज्म हैं ये क्या होते हैं, एक सर्कुलर या स्फेरिकल बॉडी से कैसे रेडिएट होते हैं, कैसे निकलते हैं, एकदम स्टिफ स्ट्रक्चर की तरह, मतलब फ्लूइड नहीं होते हैं, स्टिफ स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म, कैसा हो जाता है, स्टिफ स्ट्रक्चर की तरह हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, रेडिएशन के फॉर्म में आपके स्फेरिकल बॉडी से वो बाहर की साइड निकलते हैं, और ये क्या होता है, स्टिफ बॉडी जो होती है या स्टिफ स्ट्रक्चर जो होता है फिर फर्दर लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसी को एक्सोपोडिया बोलते हैं। अब आप जब लोकोमोशन देखेंगे अमीबा का जो मैंने बताया है उसमें इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप उसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। होप आपको अभी जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि स्फेरिकल बॉडी से क्या होता है, साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन किस फॉर्म में हो रहा है, थोड़ा आपका साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड ना होके स्टिफ स्ट्रक्चर बना ले रहा है। ठीक है, स्टिफ मतलब थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये हार्ड स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, ये क्या होता है आपके एक्टिनोपोडिया में होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोअन इज कैरेक्टराइज्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स। भाई स्पोर है और पैरासिटिज्म दिखा रहा है फिश के अंदर। ठीक है, तो ये केवल और केवल मिक्सो स्पोरेडिया में होता है, यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, पैरासिटिज्म दिखाते हैं वो भी फिश के अंदर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, मिक्सो स्पोरेडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन स्किम, ठीक है, ऑफ प्रोटोजोअन इज बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन पहला, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियाई के जो टाइप होते हैं। ठीक है, ये किसने किया था, नन अदर देन आपके हाइमन ने किया था, दो कैरेक्टरिस्टिक को ले लिए थे, एक लोकोमोशन को और क्या दूसरे न्यूक्लियाई के टाइप, मोनोमॉर्फिक है, डायमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक है, भाई क्या है न्यूक्लियस का टाइप, उसके बेसिस पे हाइमन ने सारा आपका क्लासिफिकेशन रखा था। नेक्स्ट बात करें कि एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोअन किस क्लास का, जू मैस्टिगोफोरा, जू मतलब एनिमल हो गया, मतलब कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, मैस्टिगो मतलब विप लाइक स्ट्रक्चर कुछ बियर किया है, फ्लाजिला की बात कर लेते हैं, है कि नहीं, फ्लाजिला की बात कर लिए है ना, फ्लाजिला बियरिंग। ठीक है, ये बात करते हैं, तो क्या होता है, ऐसे हैं जो कोई उनमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं है, एनिमल्स हैं मतलब फीडर्स हैं, प्रेडेटर्स हैं, तो ये नन अदर देन आपके ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा क्या होते हैं, ट्रिपेनोसोमा का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ फ्लाजिला होता है, इधर अनड्यूलेटिंग आपका लोकोमोशन होता है, और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो ब्लड के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होता है जो आपके फ्लाजिला के साथ साथ एसेसरी फंक्शन क्या करता है, मूवमेंट का करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सब क्लास कंटेन प्रोटोजोअन्स विद सूडोपोडिया और एमाबॉइड फॉर्म भी होता है, तो भाई कौन है ये,
सारकोडिना, जहाँ पे क्या होता है साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा है ना, और क्या हो रहा है, एमोबॉइड फॉर्म्स दिखा रहे हैं, मतलब अलग अलग बॉडी के स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, सूडोपोडिया दिखा रहा है, मतलब कि फूड कैप्चरिंग के लिए स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है, या लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर दिखा रहा है। नेक्स्ट क्या है क्लासिफिकेशन, अब एक सेकेंड पूछा गया है किसके, जो प्रपोज किए थे होमिंगबर्ग ने, तो प्रोटोजोअन को कितने क्लास में क्लासिफाई किए हुए थे, तो हमें पता है कि भाई 4 क्लास में इन्होंने क्या किया था, प्रोटोजोअन को होमिंगबर्ग ने क्लासिफाई किया था, ठीक है। इसको अगर आप फर्स्ट आपके जो सॉरी क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में देखेंगे तो वहाँ आपको होमिंगबर्ग जो सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोअन्स और सिलियो नीरोस्पोरा और सिलियाटा या सिलियोस्पोरा बोलते हैं, ठीक है, 4 आपके क्लासेस में उन्होंने डिवाइड किया था। ये आपके क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि सीयर वगैरह में किया था, वो सब आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो आपके क्या होते हैं, स्पोरोजोआ होते हैं, ठीक है, इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। बाकी के आई थिंक क्वेश्चन के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो जो है ना मैं बाकी के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट आपके वीडियो में सॉल्व कराऊंगी, अभी के लिए ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है डिस्कशन करना शुरू करेंगे, डोंट वरी, बाकी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर लिया जाएगा, और मैं रिक्वेस्ट समझ लीजिए, सजेशन समझ लीजिए, मैं बोलूँगी यही कि आप पहले के जो वीडियोस हैं उनको देख के आइए, क्वेश्चन लगाइए यहाँ, फिर आपको क्वेश्चन खुद से अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में भी, आंसर जब आता है तो अच्छा लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करना भी, समझने आए हैं तो भी ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपको टाइम लगेगा, और अदरवाइज़ थोड़ा उसको 2x पे करके आप फटाफट से वीडियो देखेंगे तो वीडियो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और फिर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यू विल एंजॉय इट, और ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।